का खाना लेती है, वो खाने में जाती है, एफआईआर करती है, कोर्ट का सहारा लेती है, कहती मैं शादी के साथ नहीं रह सकती, घर में आता साफ सफाई करता है, और फैमिली क्या करती है, उसमें सेड़ी बेटे के व्यवहार को कवर करती है, झूठ बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, छुपाओ, तुम घर की बात बाहर क्यों कर रही हो, बहू को डांटती है, बहू सीधी साधी घर के अंदर आई थी, सभी पता चला कि वो लड़ने लगी, क्यों, तो उसको कमीशन का चयन का मौका नहीं मिला, तो मैडम को फिर का शिकार भी होते हैं, प्रतिभा को नष्ट करती है, सबसे खतरनाक वस्तु है, इसका बच्चा 22 साल 24 साल 25 साल 26 साल 30 साल का बच्चे प्रतिभा को नष्ट करता है, नशे में पड़कर अनेक युवा बर्बाद हो चुके हैं, अनेक युवा बर्बाद हो चुके हैं, और अभी से दिन अनेक तैयार हैं बर्बाद होने के लिए, तो तैयार बैठे हैं बर्बाद होने के लिए, बात सुनिए है मानिए है, प्रतिभा को नष्ट करती है, कोई खेलने में अच्छा था, कोई पढ़ने में अच्छा था, फैमिली क्या करती है, पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत अच्छा था, खेलने में बहुत अच्छा था, पढ़ाई का था, लेकिन अब क्या है, अभी बताओ अभी क्या है, जो प्रतिभा को नष्ट करते हैं, जो आपके अंदर टैलेंट जो गुण होते हैं, जो सत्ता होती है कुछ करने की कुछ बनने की, वो उसको नष्ट करते हैं, और बहुत सारी बात जो है बर्बाद हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, माँ बाप पाँच बजे रात तक दो बजे रात तक बुला रहे हैं, जहाँ पे अभी आ रहा हूँ, क्लासरूम में आ रहा हूँ, स्कूल में आ रहा हूँ, लाइट जगह भी बन रहा हूँ, अगर उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, आप लोगों ने इसमें गंभीरता से नहीं किया, और उसके करने पर उसके उसने आपने इलाज अधूरा दिया, आपने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको घुट घुट के जो है जीवन जीवन जीना पड़ेगा, और अनेक ऐसे युवा है जो तैयार बैठे हैं, जिनके पास अच्छी बुद्धिमत्ता थी, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, खेलने में बहुत अच्छे थे, बोलने में बहुत अच्छे थे, व्यवहार बहुत अच्छा था, सबका घर में ध्यान भी रखते थे, एक दूसरे का साथ भी देते थे, पापा को दुकान में भी छुपाने जाते थे, पापा लंच कर दिया, लेकिन एक टाइम आया बिना सुधारे बिजली टूटी, मानसिक रोगी सबको लग गया कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, वो एक चीज में डूब गया, नशे में हो गया, उसने अपने आप को भी भुला दिया, हो गया, तो प्रतिभा को नष्ट कर, नशा सबसे ज्यादा सोच और दिमाग का असर पड़ता है, नशे का असर सबसे ज्यादा सोच और दिमाग का पड़ता है, सहनशीलता समाप्त हो जाती है, अभी आपको मिले तो माँ बाप आज अपनी औलाद से कटते हैं, जिसे बोल नहीं सकते, अपनी औलाद से कटते हैं, कभी पूछोगे कहाँ जा रहे हो, उसका सीधा जवाब देगा, कटते हैं, आपको आप बताओ या ना बताओ, कटते काटते हैं, अरे किसी को उसको बताना मत, उसको पता चल गया ना तो क्यों मेरा जीना हराम करते हैं।
किसी बात को गंभीरता से नहीं लेगा, यहाँ तक कि ऊपर वाले ने भगवान ने बोला है, एक किताब के अंदर पढ़ा था, किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी से खेलने का हक नहीं है, लेकिन उसे बात अपने जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार वालों की जिंदगी के साथ नहीं खेलना। जब तक आप उसकी नहीं जानकारी करते रहोगे सब पर इफेक्ट करता है, यानी हर तरीके से अंत रखता है।